दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग गोरखपुर मंडल गोरखपुर द्वारा धनतेरस के अवसर पर विकास भवन के मुख्य गेट पर शुक्रवार को दिव्यांग छात्र छात्राओं द्वारा स्वनिर्मित दिया, मोमबत्ती, जूट बैग एवं अन्य कलाकृतियों को लेकर मेले का आयोजन किया गया, जहां पर दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभागीय विद्यालय राजकीय स्पर्श दृष्टि बाधित बालक विद्यालय मालीपुर, राजकीय दृष्टि बाधित बालिका विद्यालय मानसिक मंदित आश्रय, सह प्रशिक्षण केंद्र एवं बचपन डे केयर सेंटर के दिव्यांग छात्र छात्राओं स्वनिर्मित दीपावली से संबंधित सामानों, दिया, दो मोमबत्ती, रंगोली, लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा, जूट से निर्मित थैली सहित अन्य कलाकृतियों का स्टॉल लगाया गया था, जहां पर विकास भवन परिसर में आने वाले लोगों ने उनकी सामग्रियों की खरीदारी की। इस संबंध में गोरखपुरी से बात करते हुए दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग गोरखपुर मंडल के उपनिदेशक राजकुमार सिंह ने कहा। ये हमारे सर यहाँ होता था, अब इसके बाद हमारे जो है सेंटर के जो हमारे बच्चे हैं ये फोटोग्राफी के ये आज ये धनतेरस के शुभ अवसर पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के हमारी जितने भी संस्थाएं हैं गोरखपुर में, जिसमें मानसिक मंदित हमारा है, हमारा संकेत मुख बधिर विद्यालय है, हमारे ब्लाइंड स्कूल हैं बालक और बालिकाओं के, हमारा बचपन डे केयर सेंटर है, और उन्हीं बच्चों के द्वारा यहाँ पर जितनी भी आप सामग्री देख रहे हैं सबका निर्माण उन्हीं बच्चों के द्वारा, दिव्यांग बच्चों के द्वारा ये सारी सामग्री का निर्माण जो है वो किया गया है। हमारा उद्देश्य ये है कि लोग ये समझ पाएँ कि नहीं, हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं वो भी मुख्य धारा से किस रूप से जुड़े हुए हैं, और दूसरा हमारे उनको मनोबल में वृद्धि भी करनी है कि हमारे बच्चे ये समझ सकें कि उनके में भी कुछ क्षमता है जिससे कि वह मुख्य धारा में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो आप प्रदर्शनी देख रहे हैं ये हमारे बच्चों को आगे ले जाने के लिए और उनके हौसले में इजाफे के लिए हम लोग प्रदर्शनी लगाई हुई है। सेल भी हो रहा है? जी जी हाँ, बिक्री भी हो रही है, और ये जो बिक्री हो रही है जो हमारे दिव्यांग बच्चों ने ये यूज़ किया है, ये बिक्री और जो बनाया है ये सारी चीज़ें उन्हीं के हितार्थ जो है प्रयोग की जानी है।